आईएएस का किला फतह करने के लिए कैसे बनाए रणनीति, जानिए आईएएस मिथिलेश मिश्रा की जबानी। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, सिविल सेवा अपने आप में एक मिशन है। चेहरे पर चमकता आत्मविश्वास, आपको हर दिन ये विश्वास होना चाहिए कि मैं एक अंक और अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। शख्सियत में बुलंद इरादों की झलक, तो मैं ये मान चल रहा था कि जो तैयारी कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा, इनसे मिलिए। ये है देश के नए नौकरशाह, भारत के नए पॉलिसी मेकर। नाम है मिथिलेश मिश्रा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट मिथिलेश ने वो कर दिखाया है जो विरले ही कर पाते हैं। सरकारी स्कूल में मास्टर की नौकरी करने के बाद मिथिलेश ने देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू की और तमाम मुश्किलों के बावजूद उसमें न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि मील के कई पत्थर भी स्थापित किए। दसवीं कक्षा के बाद से मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया था, तो लेकिन फिर ट्वेल्थ क्लास में मैंने साइंस में मैथ्स और बायो लिया था ताकि साइंस के विषयों की अच्छी समझ हो सके, और ग्रेजुएशन में मैंने फिर दर्शन शास्त्र विषय लिया था। बीएचयू से मैंने ऑनर्स किया ताकि इस विषय के प्रति मेरी समझ और क्लियर हो सके और सिविल सर्विस की तैयारी कर सकें। मिथिलेश बचपन से ही आईएएस अफसर बनना चाहते थे। इनका कहना है कि सफलता पाने वाले लोग अलग नहीं होते बल्कि वो हम में से ही एक होते हैं, बस वो डट कर मेहनत करते हैं। जैसे कि अगर चुनौती आती है तो उस चुनौती के ऊपर खड़े हो जाने की क्षमता, ये मुझे लगता है कि सबसे प्राथमिक गुण होता है जो बच्चे सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, क्योंकि प्रश्न का नेचर कुछ भी हो, प्रश्न पत्र कितना भी कठिन है, लेकिन आपकी जो गिवन तैयारी है, जो भी आपकी समझ है, उस समझ को आप अपने प्रश्न के साथ कितना रिलेट कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अपने पहले प्रयास में असफल मिथिलेश दूसरे अटेम्प्ट में आईपीएस के लिए चुने गए। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ही मिथिलेश ने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया और आखिरकार सिविल सर्विसेज में हिंदी माध्यम में सबसे अव्वल रहे। मिथिलेश की ऑल इंडिया में रैंक 46वीं है। आईएएस मिथिलेश के मुताबिक कामयाबी के लिए जरूरी है कड़ी मेहनत और लगन। तो आइए जानते हैं मिथिलेश से ही सिविल सर्विसेज में सफलता के टिप्स। अगर आपको अपना पर्पस क्लियर है कि आप यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं या आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो इस चीज को लेकर आपको कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए। पर्पस के बाद आपको सिस्टम को समझना पड़ता है कि आईएएस की या सिविल सेवा की क्या भूमिका है, सिविल सेवा कैसे काम करती है, आप उसमें कहाँ फिट बैठते हो और आप उसमें कैसे काम कर सकते हो। तीसरी चीज आती है अपने पर्सन के ऊपर कि आपका व्यक्तित्व कैसा, क्या आपका व्यक्तित्व उद्देश्य के लिए उस सिस्टम के लिए सटीक है। और फिर चौथी चीज होती है परफॉर्मेंस की, जब आप फील्ड में आते हो तो उसके बाद आप परफॉर्मेंस करते हो। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और इनिशिएटिव क्वालिटी है और लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने की, टीम भावना के साथ काम करने की क्षमता है और आप उसको पसंद करते हो, तो सिविल सेवा आपके लिए है और आप सिविल सेवा के लिए। आईएएस मिथिलेश की ये सफलता आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए न सिर्फ प्रेरणा है बल्कि एक अनोखी मिसाल भी है। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज 24।